नमस्ते, स्वागत है आप सभी का द न्यूज तंत्र में। बुंदेलखंड के झांसी जिले में बंद मकान के अंदर मां बेटे का सड़ा गला शव मिला। स्थानीय क्षेत्रवासियों को इसकी जानकारी उस समय हुई जब मकान से तेज बदबू आनी शुरू हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मां का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था और बेटे का शव जमीन पर। उनकी मौत कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं हो सका। घटना झांसी जिले के नवाबाद थाना अंतर्गत चंदा होटल के पीछे पोश इलाके की है, जहां एक मकान के अंदर से स्थानीय क्षेत्रवासियों ने तेज बदबू महसूस की। शक होने पर इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने पाया कि मकान का दरवाजा अंदर से बंद था और कुंडी में रस्सी बंधी हुई थी। मकान में कमरे के अंदर चारपाई पर बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी हुई थी और उसके बेटे का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। मृतक बेटे का नाम रवि बताया गया है, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। साथ ही उसकी मां का नाम प्रेमलता बताया गया है, जिनकी उम्र 85 वर्ष है। स्थानीय क्षेत्र वासियों के अनुसार मृतक मां बेटे किसी से किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखते थे। मृतक रवि के पिता रिटायर्ड रेल कर्मी थी। मृतक दो भाई और तीन बहनें थीं, जिनमें मृतक और उसके भाई व पिता की काफी समय पहले ही मौत हो चुकी थी। बहनों की शादी हो गई थी, जिस कारण माँ बेटे घर में अकेले रहते थे। इसके बाद वे किसी से मतलब नहीं रखते थे। उन्हें 3 दिन पहले घर के बाहर देखा गया था, इसके बाद नहीं देखा गया। उनकी मौत कैसे हुई यह एक रहस्य बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में ले लिया है और पंचनामा भरकर मुर्दा घर भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार का कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था, जिस कारण किसी के भी अंदर जाने की आशंका नहीं जताई जा सकती। साथ ही बगल के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखने पर किसी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि नजर नहीं आई। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि दोनों की मौत कैसे हुई। ऐसे ही अपने आसपास की खबरों को जल्द से जल्द जानने के लिए बने रहिए द न्यूज तंत्र के साथ। धन्यवाद। माँ बेटे की आज डेड बॉडी मिली है। पड़ोसियों को जब बदबू आई थी तब इन लोगों ने थाने को सूचना दी थी। थाने पर सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ पुलिस फोर्स मौके पर पहुँचा है। ये डेड बॉडी करीब 3-4 दिन पुरानी लग रही है। जो अगल बगल जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो इनका ये कहना था कि ये लोग अपने पड़ोसियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है पड़ोसियों को भी। इतना ज़रूर हम पता चल पाया है कि जो बेटा है उसका नाम रवि लोग बताते थे, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है और माँ की उम्र करीब 85 वर्ष है। माँ बेटे ही इस घर में रह रहे थे और बेटे के बारे में बताते हैं कि ये डिप्रेशन में था, अक्सर ये हाथ पैर अपना पटकता रहता था। जब वो अंदर, हम लोगों ने डेड बॉडी के बारे में जब अंदर घर घुसने का प्रयास किया गया तो घर का कुंडा अंदर से रस्सी से बंद था। इससे लग रहा है कि अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं गया है। प्लस एक सीसीटीवी भी बगल में लगा हुआ है, जिससे इनके घर का पूरा दरवाज़ा कवर हो रहा है। सीसीटीवी से भी 19 तारीख के बाद इनके बेटे के ही घर पे अंदर जाने का है, बाकी अन्य किसी का मूवमेंट घर के अंदर नहीं है। और डेड बॉडी पर भी कोई चोट वगैरह के निशान नहीं है। सामान घर में सारे सिस्टमेटिक पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि कोई अपराध का एंगल नहीं समझ में आ रहा है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए और अगल बगल जो और भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको हम लोग उनकी भी जांच कर रहे हैं, सारे एंगल पर जांच कर रहे हैं। अब तक जो प्रथम दृष्टया है कि कोई अपराध का एंगल नहीं है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।